नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार चुनाव में अकेले ही ताल ठोक रहे लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि बीजेपी के साथ लेकिन जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान को जैसे ही खबर मिली कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, उन्होंने मौका देखते ही नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोल दिया। दरअसल बिहार चुनाव में चिराग पासवान भले एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन सियासी हलकों में ये चर्चा है कि बीजेपी और एलजेपी मिली हुई है और दोनों मिलकर जेडीयू के खिलाफ अलग ही रणनीति बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह एक इंटरव्यू में पहले ही कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू के डर पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर पहले तो पीएम मोदी का बिहार में स्वागत किया, फिर नीतीश कुमार पर जोरदार तंज मारा। बिहार दौरे पर आ रहे पीएम मोदी का स्वागत करते हुए चिराग पासवान ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी के भी कह देने के बाद कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है, नीतीश जी को तसल्ली नहीं हुई है और प्रमाण पत्र चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अपनाए हुए चिराग पासवान ने इससे पहले उन पर बीजेपी को ठगने का भी आरोप लगाया था। एक ट्वीट में चिराग पासवान ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा था, पिछली बार आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और फिर उनको धोखा देकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। इस बार कहीं नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर फिर लालू जी के शरण में ना चले जाए साहब। सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने साजिशन बीजेपी को पिछली बार लड़े 157 सीट की जगह कम सीटें दी हैं। आज नीतीश जी को 121 सीटें चाहिए थी, वहीं अपने राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद के साथ 101 पर मान गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ इन्हें 101 से ज्यादा सीटें चाहिए। पहले बिहार को ठगा और अब बीजेपी को। चिराग पासवान केंद्र में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी के साथ हैं। वो अभी भी मानते हैं कि बिहार में 10 तारीख को चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बने। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा, मुझे मोदी की तस्वीर कहीं नहीं लगानी क्योंकि वो मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरा सीना चीर कर देख लें, मोदी के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। चिराग पासवान की इन्हीं बयानबाजियों की वजह से जेडीयू को भी कहीं ना कहीं ये डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और एलजेपी एक साथ साथ ना आ जाएं और नीतीश कुमार एनडीए में नंबर 1 से नंबर 3 ना हो जाएं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।